जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन धर्म नहीं घटाया। हकीकत राय के किस्से सरागणी, मौका उस समय से कि जब हकीकत की घरवाली लक्ष्मी को सपना दिखाई देता है, उधर काजी हकीकत को लाहौर के अंदर जेल में डाल देते हैं। सपने का हाल अपनी मां सासू कोरा को जाकर के बताती है कि माता मेरे सपने में रात में अजीब अजीब चीजें दिखाई दी, कहीं भूत बनकर के मुझे डरा रहा है, कहीं जंगल में मैं हूं और आपके बेटे को खींच करके ले जा रहा है। प्रेमी साथियों, माता ऐसी बात सुनकर के दंग रह जाती है कि बेटी सपने की बात कभी सच्ची नहीं हुआ करती, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि माता सपने की बात भी सच्ची हो जाती है। तो आइए मेरा साथ देंगी सुषमा नेकपुर, किस तरह से रागणी के अंदर माता कोरा समझाती है और बहू किस तरह से जवाब देती है। आइए आपके बीच में दो तीन रागणी किस्से की रखेंगे। मैं चाहता हूं कि सबको बिल्कुल समझ में आए और सभी कलाकार इसमें भाग लेंगे। आइए एक रागणी के माध्यम से किस तरह से माता कोरा समझा रही है और क्या बता रही है लक्ष्मी। आइए कैसे बोला इतनी बहकी बहकी मुझको दिख रही है, क्या बात है लाडू? सासू माँ, आज रात की बात कुछ ऐसी है कि आज रात मैंने सपना देखा है और सपने में कुछ ऐसा हो गया है कि आपका इकलौता लाल वीर हकीकत कॉलेज तो गया है लेकिन कॉलेज से घर वापस नहीं आया। सासू बेटी ऐसे बोल नहीं बोला करते, मेरा इकलौता लाल है, मेरे कालजे पे चोट लगती है। सासू माँ, मेरा जी दहराता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनेगा? सुनिए मेरी बात।
में बैठा हो जा एक ही उम्र और एक सबक के भजन तोल में बैठा हो जा क्या वक्त मंदिर से आज तक ये बात नहीं कही, लेकिन रात के सपने में जितने भी आपके बेटे के साथी हैं वो पढ़ पढ़ के घर आ गए हैं और कुछ ऐसा हुआ है। सुनिए, अगर मैं रात का सपना आपको बताना चाहती हूँ, सुनिए जरा। उसके तारण वाला कौन जिसका प्यार
सपने में ना उसके मारने वाला किया था उसको भी पूरा करना है। तू ऐसे बोल नहीं बोल। सासू माँ, आपसे और मेरे से वादा किया हुआ आज मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि बिल्कुल फेल हो चुका है। सुनिएगा मेरी बात। अपनी बात कह दे। बहू पी रूपी